हाय गाइस, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहित और ब्लॉग्स। कैसे हो आप सभी? उम्मीद आपसे बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज है मंडे और आज मैं जा रहा हूँ कॉलेज, और इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं जो, वो हमारे सारे ख़त्म हो गए, 3-4 एग्ज़ाम्स थे, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं लाया। इतने दिनों से ब्लॉग नहीं आया, मेरा टाइम ही नहीं मिला यार। तो पढ़ना पुढ़ना तो आपको पता है कितना होता है, बट ऐसे भी टाइम नहीं मिला। तो आज है मंडे और एग्ज़ाम्स हो गए हैं इंटरनल वाले, तो आज चलते हैं कॉलेज। और मैंने सोचा क्यों ना एक ब्लॉग शुरू कर लिया जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिनों हो गए ब्लॉग बनाए हुए। मैं लेट भी हो चुका हूँ और अभी कर रहा हूँ बस का वेट, एंड बस आएगी 10 बजे, और लिटरली मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हूँ कॉलेज के लिए। बट यार, एब्सेंट लगने से अच्छा यही है कि लेट ही पहुँचे बंदा, पर पहुँचे सही। तो इसलिए अभी कर रहा हूँ मैं बस का वेट रोड पर खड़े होकर, तो देखते हैं कब तक आती है बस, और फिर सीधा चलते हैं कॉलेज की तरफ। तो यार, रोड में ब्लॉगिंग करने से मैं इसलिए हेजिटेट होता हूँ, क्योंकि काफ़ी बंदे पहचान के मिल जाते हैं, और ये भाई भी मेरे ब्लॉग्स देखते थे तो वो रुक गए, आगे बोलते ब्लॉग्स बना रहा है, और फिर भाई मैं ऐसे मतलब फीलिंग शाय शर्म आ जाती है मुझे, और फिर मैंने ब्लॉग बंद ही कर दिया, तभी उनको बीच में नहीं लिया। तो यार, करते हैं बस का वेट और चलते हैं सीधा कॉलेज की तरफ। तो भाई सर, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया और गाड़ी आ ही नहीं रही भाई, आज तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगा, आगे भी पैदल जाना पड़ेगा। तो शुक्र है गाइस, अभी थोड़ी थोड़ी दिख रही है बस, और आ गई बस, चलते हैं भाई इसमें चढ़ के जल्दी जल्दी कॉलेज। वो देख रही हैं आप, वो आपको सामने दिख रही होगी, तो चलिए फिर चलते हैं कॉलेज। तो ओके गाइस, उतर चुका हूँ अभी हाईवे पे, और लिटरली काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ आज, क्योंकि संडे था तो बस में भी टाइम लगाया। करते हैं इसको क्रॉस और चलते हैं दूसरी साइड फटाफट से। ओके गाइस, अभी कॉलेज से वापस आ गया हूँ भाई। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि तभी व्लॉग क्यों नहीं बनाया, तो भाई मैं लेट हो गया था, इसलिए जल्दी जल्दी व्लॉग शूट किया। तो अभी वापस जा रहा हूँ, तो यार सीधा घर पे मिलता हूँ, अभी मेरा इतना मूड नहीं है व्लॉग बनाने का, सीधा घर पे मिलता हूँ आपसे। तो गाइस, आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैंने ऑर्डर की थी स्मार्ट वॉच, एंड भाई मैंने पार्सल आपके सामने लिया था पिछले व्लॉग में स्मार्ट वॉच का। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज उसका दूसरा दिन है, मैंने अभी तक वॉच पहनी नहीं है, क्योंकि मैं सोच रहा था उसकी भी अनबॉक्सिंग करते हुए व्लॉग में ले लूंगा। लेकिन आप सब जानते हो कि भाई डिफेक्टेड पीस भी आते हैं कई बार, मतलब कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करो तो इसलिए मैंने श्योरिटी के लिए खोल के देख ली थी कि है बीच में नहीं है, बट मैंने पहनी पूनी नहीं अभी तक। तो गाइस, मैंने अभी तक मम्मा को भी नहीं दिखाई, मम्मा को याद ही भूल गया था कि मैंने स्मार्ट वॉच ली है। तो अभी मैं यहाँ पे खड़ा था, तो मम्मा मेरे को और ही स्मार्ट वॉच तो दिखा, तभी मेरे को याद आ गया कि यार मैं ब्लॉग्स में भी दिखा देता हूँ, क्योंकि आप कमेंट भी कर रहे थे आप में से कुछ लोग कि भाई हमने सिर्फ पार्सल लिया, अनबॉक्स तो की नहीं। तो चलिए फिर देखते हैं कि कैसी वॉच है कैसी नहीं। फिलहाल मेरे लिए मम्मा ने लाई है चाय, हाँ तो मम्मा ने मेरे लिए खाना वाना लगा दिया इधर, चाय देखो भाई मम्मा ने कितना ग्लास भर के लाया। मम्मा बड़ी कम है, ज्यादा क्यों लाई, इतनी खराब नहीं लगेगी अभी मेरे को। सर्दी है ना, तो मेरे को बोलेगा आप बार बार चाय बनाओ, मम्मा चाय बनाओ, तो मैंने आपको बना के। तो गाइस, जैसे कि हमने पिछले व्लॉग में देखा था, मैं ये पार्सल लाने गया था, और आप में से काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई इसको इसका हमने अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं बनाया। एंड मैंने जो आपको बताया था कि मैंने न्यू वॉच मंगवाई है GSW 10, और ये थी मेरी पुरानी GSW 5। तो ये भाई थोड़ी सी टूट गई थी मेरे से, और इस पर थोड़ी माइनर प्रॉब्लम आ गई थी इसमें कुछ, जो कि सॉल्व नहीं हो पाई, तो इसके कारण से अभी मैंने मंगवाई है GSW 10। तो करते हैं भाई इसकी अनबॉक्सिंग जल्दी से, और दिखाता हूँ आपको भी कैसा कैसी वॉच है। पिछले व्लॉग में देखा होगा कि गाड़ी कितनी ज़्यादा गंदी हो गई है, तो भाई अभी करते हैं इसको वॉश, और काफ़ी ज़्यादा गंदी है यार, ये देखो चेक करो यार क्या है यार, बहुत डस्ट पड़ गई है ना इसमें। तो ये देखो ऊपर इसका रूफ तो भाई बिल्कुल ही मतलब ऐसे हो गया, तो धो ही लेते हैं यार, क्या पता तो है कि मतलब वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी धोने में, क्योंकि पता है फिर से ये यहाँ तो ना बंदा कहीं जाए फिर गंदी हुई, खड़ी खड़ी गंदी हो जाएगी यहाँ पे रोड की, इतनी दूर है भाई। लाइट आने, मम्मा लाइट है नहीं है, चले गई है तो लाइट चलेगी है, तो करते हैं लाइट आने का वेट, उसके बाद करते हैं इसको नहलाते हैं यार। तो यार मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि अपने चैनल का नाम लिखवाऊँ, क्योंकि फिर लोगों को पता चल जाता है ना कि मतलब, मेरे को भी यार शौक है अपने चैनल का नाम गाड़ी पे लिखवाने का, लेकिन मेरा चैनल का नाम है मोहित डोगरा ब्लॉग्स, और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मोहित लिख रखा है, तो यहाँ भी मोहित और यहाँ कहीं भी मोहित डोगरा ब्लॉग्स आ जाएगा, तो मतलब दो दो मोहित, फिर
कैसे चलेगा, मेरे को थोड़ी सजेशन दो। या मैं सोच रहा हूँ ये जो वीकली इट्स लिखा हुआ है इसको रिमूव करवा के यहाँ पे आने दूँ मोही डोगरा ब्लॉग्स, या मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखूँ मोही डोगरा ब्लॉग्स, या फिर मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ। तो आप यार मेरे को कोई अच्छी सी जगह दो, आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि मैं कहाँ पे लिखवाऊँ और कैसे लिखवाऊँ, तो ज़रूर बताना यार। क्या व्यू है यार पहाड़ों का, देख सकते हो आप कितने सुंदर पहाड़ लग रहे हैं और यहाँ वाले भी। और मम्मी उठा रही है यहाँ पे कपड़े, कपड़े उठा रहे हो आपने देखा हिमाचल वाले पहाड़ों में बर्फ पड़ गई, नहीं देखा आपने? नहीं। वो देखो अभी मतलब इतने क्लियर तो नहीं है, पर वो देखो दिख रहे हैं? हाँ, दिखा दे रहे हैं। कैमरे में थोड़े थोड़े कम कैप्चर हो रहे हैं बट ठीक हो रहे हैं। वाओ कितने सुंदर हैं यार। मणिमहेश भी इधर ही बढ़ता होगा, जो सामने टॉप पर पहाड़ी इधर दिख रहे हैं रेड रेड कलर में थोड़ी हाँ, इधर लगता है मेरे को मणिमहेश। आगे क्या पता गाइस, आप कमेंट करके बताना, पर मुझे यही लग रहा है। और व्यू देखो यार आप गाइस, ये अपना बॉक्स जिसमें हमारी स्मार्ट वॉच, और ये मैंने इधर से ओपन कर लिया था। तो चलिए अभी करता हूँ इसके आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग। तो गाइस सबसे पहले हमें ये बॉक्स मिलता है, जैसे ओपन करेंगे तो भाई ये तो काफ़ी कमाल का बॉक्स है लग रहा है। और ऊपर लिखा है जी बडी जियोनी स्टाइल फिट, एंड ये कुछ इस तरह से बॉक्स है जहाँ पे इसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन वगैरह दी गई है। तो उसके बाद भाई करते हैं इसको ओपन। अभी ओपन करते हैं, हमें पहले देखने को मिलती है स्मार्ट वॉच, पहले इसको निकालते हैं। इसके अलावा हमें ये थोड़े वारंटी कार्ड वगैरह मिलते हैं, और साथ में एक और बॉक्स है ये देखिए, यहाँ पे कुछ दिया गया इसका यूज़र मैनुअल है ये। और ये है भाई इसमें क्या है, हाँ इसमें दिया गया हमें चार्जर, और इसका चार्जर कुछ अलग तरीके का है, मैं दूसरी बात का कुछ अलग तरीके का था। तो ये है भाई इसका चार्जर, एंड ये फाइनली हमारी गाड़ी में देखो क्या कमाल है। खोलते हैं भाई इसको, ओ भाई और भाई खतरनाक लग रही है देखने में। तो इसको करते हैं भाई रिमूव, ओ भाई, और करते हैं वॉच को ऑन। तो भाई आते हमें देखने को मिलता है जी बड्डी, एंड भाई चेक कीजिए, ओ माई गॉड, इसकी ब्राइटनेस लेवल कम करते हैं थोड़ा। भाई देखिए क्या खतरनाक वाली डिस्प्ले है यार इसकी, और काफ़ी फीचर्स हैं इसमें ये देखो, जैसे कि स्लीप वगैरह और ये ऐसे करके। और यार इसमें मैंने एक फीचर देखा था इसके ना, एक प्लेयर शटर वेदर, एंड भाई इसका मेन्यू कुछ इस तरह से मेन्यू इसका चेंज भी हो जाता है, और देखिए कितने सारे फीचर्स हैं इसमें। तो कुल मिला के काफ़ी सुंदर वॉच है यार, मेरे को तो अच्छी लगी है ये। और जो मेरी पुरानी वॉच थी, जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, तो भाई पुरानी वाली ये है जियोनी की GSW 5, एंड नई वाली ये है 10। और भाई इस वॉच की कंडीशन आप देख सकते हो थोड़ी बिगड़ गई है, स्क्रैचेस वगैरह लग गए हैं, और इसमें थोड़े इशूज़ आ गए थे इसलिए ये ठीक नहीं हो पाई। तो भाई इसके कंपेरेटिवली देखिए इसकी डिस्प्ले कितनी बड़ी है नई वाली की, एंड ये है भी थोड़ी बड़ी, एंड इससे थोड़ी थोड़ी सी भारी बोल सकते हो, वैसे है दोनों लाइट वेट हैं, और इसके स्ट्रैप भी अच्छे हैं। तो जो मेरी पुरानी वॉच है उसका चार्जर ये है, इस तरह से था उसका चार्जर, लेकिन इस वाली वॉच का चार्जर है मैग्नेटिक चार्जर। तो कुल मिला के वॉच कैसी लग रही है, मैं पहले पहनता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। तो गाइस अभी मैंने वॉच पहन लिया, और देख सकते हो अब इस पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो ये थी ना जियोनी GSW 5, इस पर वाल पेपर्स वहीं लगते थे जो इसमें थे 3-4, लेकिन इसमें मैं कोई भी कस्टमाइज्ड वाल पेपर लगा सकता हूँ, अपना लगा सकता हूँ, या कोई और फोटो लगा सकता हूँ। तो कुल मिला के यार काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं इसमें। तो ये थी वॉच की अनबॉक्सिंग, कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना। Just let me go, please let me go. You like to love so hard and then you throw it away. You like to open scars and then you blame it on me. You're someone I can never be with. You joke about my flaws and weaknesses. तो फाइनली गाइस अभी अपनी गाड़ी पूरी चमक रही है, देख सकते हो आप पूरी लिश्क रही है, लिश्के मार रही है, चमक रही है पूरी। तो अभी मेरे को थोड़ा सुकून मिला क्योंकि गाड़ी गंदी नहीं देखी जाती यार मेरे से, बाकी जो मर्जी हो जाए। तो देखो अभी ये पूरी साफ़ कर दी मैंने, बट बुरी बात ये है कि ये लगी लगी गंदी हो जाएगी, यहाँ पर डस्ट पड़ जाएगी इतनी। देखो ऊपर से कैसे चमक रही है भाई।
तो गाइस आपको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके आप मेरे चैनल का एक मेंबर बन सकते हो। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, भगवान करे आपका दिन शुभ हो, टाटा बाय बाय। एंड यार सब्सक्राइब जरूर करके जाना अगर नए आए हो तो, और लाइक जरूर करना वीडियो को। बाय बाय।